लंबे समय से खंडवा रोड स्थित नर्मदा नगर के रहवासी की ओर से यहां मौजूद शराब दुकान को बंद कराने के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। मंगलवार जनसुनवाई में इन रहवासियों के समर्थन में पूर्व कांग्रेस विधायक अश्विन जोशी भी आए। यहां रहवासी कलेक्टर जनसुनवाई के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं विधायक ने इस मामले में अधिकारियों से बात की। रहवासियों के समर्थन आए पूर्व विधायक अश्विन जोशी के अनुसार शराब दुकान पहले भी उस क्षेत्र में थी, उसे स्थानांतरित किया गया है। अभी जहां शराब दुकान मौजूद है वह रहवासी इलाका है, यहां से भी अन्य किसी स्थान पर दुकान स्थानांतरित करने के संबंध में अधिकारियों से बात की गई है। असल में दो बार ये लोग जनसुनवाई में आ चुके हैं और बहुत दिन से धरने में बैठे रहे। शहर के तमाम नेता लोगों का आश्वासन दिया, मुख्यमंत्री जी से मिले, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं दिखवाता हूँ। दिक्कत वहां पे आई, जो आपने एक प्रश्न किया कि पहले भी एक दुकान हटी है, वो दुकान हटी इसलिए कि आईडिया का और उस प्लॉट के मालिक का कुछ विवाद है। उस डिस्प्यूट की जब तक सेटल नहीं होगा तब तक मालिक की तय नहीं होगी तो किराएदार किराया किसको देगा, वो इस मारे वहाँ से हटी। अब यहाँ पे जब आई तो यहाँ पे हटने के बाद एक किसी व्यक्ति का प्लॉट था जहाँ पर जो चिन्हित किया गया। आज मैं जब आया तो कलेक्टर साहब का इंतजार कर रहा था, वो निकल के कहीं मीटिंग में तेजी से निकले। अमूमन मैं अफसरों की तारीफ नहीं करता हूँ, पर कलेक्टर साहब को मैंने एक मेरे साथी को बोला कि दौड़ के पकड़, उन्हें नीचे रोका, बेचारे पलट के वापस आए। उन्होंने उस व्यक्ति का नाम बताया कि उसकी जमीन देखी, आप चाहो तो उनसे बात कर लो। तो उस व्यक्ति से मेरी बात हो गई है। ये कुशवाहा साहब जो आयु आपका विभाग के हैं, कुशवाहा साहब ठेकेदार उस व्यक्ति के पास जाकर के किराया तय करवा के स्थान तय हो जाएगा, दुकान शिफ्ट हो जाएगा। सार्थक नतीजा आएगा, कुछ प्रयास मुझे करना पड़े और वो जो व्यक्ति है जमीन का मालिक वो मेरी बात मान गया, ये उसकी भलमनसात है, तो बात चल रही है। तो वो कम ज़्यादा करके किराया तय हो जाए, दुकान शिफ्ट हो जाएगी। नहीं अधिकारी का इसमें अधिकारियों की गलती नहीं है, आपकी निजी भूमि है, क्या किराया लोग है ये तो आपका अधिकार है। अधिकारी लोगों ने दो तीन जगह चिन्हित की, आईडीए के प्लॉट चिन्हित किए, गौतम सिंह जी से बात हुई, आईडीए वाले अपनी ज़मीन को शराब ठेकेदार को देने में इंटरेस्टेड नहीं, वो तो मुझे ये बोले कि दो तीन जगह लग गई है वो मैं जेसीबी से हटाऊंगा। तो निजी भूमि की बात हुई, अब वो बात चल रही है। और जिस जमीन पर जा रही है शराब दुकान वहाँ पर भी आसपास क्या बसाहट नहीं है, क्योंकि वहाँ भी विरोध हो सकता है फिलहाल, ये भी जो है वो वहाँ ऐसी स्थिति नहीं है जी, इसलिए जा रही है और इसलिए उस व्यक्ति से बात की गई। उस व्यक्ति से दो बार बात की, आपने जब बुलाया तो आपसे बात करने के पहले उससे फिर कन्फर्म करके आया अंदर कि भैया हो जाएगा, उन्होंने कहा मैं बैठ के कर लूँगा। जमीन जो है किसी कांग्रेस नेता की ऐसी नहीं है। अब ये देखिए साहब, मुझे नहीं मालूम, मुझे नंबर दिया था, मैंने बात कर ली, उस व्यक्ति को धन्यवाद जिसने मेरी बात मानी। वहीं इस पूरे मामले पर कलेक्टर निशांत वरवड़े ने कहा कि इस विषय पर बात चल रही है और उम्मीद लगाई जा सकती है कि इस पर जल्द ही कोई रास्ता निकल जाएगा। अब देखना यह होगा कि नर्मदा नगर में मौजूद शराब दुकान किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो पाती है या नहीं। ये नर्मदा नगर में हमारे रहवासी एरिया में दुकान खुलवा दी और दुकान भी ऐसी खुलेगी रातों रात, उस दिन 144 धारा लगी हुई थी 10 तारीख की रात को, और हमारी पब्लिक को एक को भी रोड पे भी नहीं आने दे रहे थे, और ये सब आबकारी विभाग के ऑफिसर लोग बैठते और रात को रातों रात गाड़ियां जमाई और शराब दुकान खुलवाई। एक महीना हो गया भाग दौड़ करते करते, आज बंद करवा रहे हैं, कल बंद करवा रहे हैं, जमीन देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, अभी भी कलेक्टर साहब